नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर मार्च 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू डेवलप अ न्यू डिस्ट्रिक्ट मयिलादुथुराई। मयिलादुथुराई जो डिस्ट्रिक्ट है वो नई डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट बना रही है? तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। तो दोस्तों, तमिलनाडु में जो है एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है जिसका नाम है मयिलादुथुराई। अब दोस्तों, यहाँ पर स्टेट आई है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जो है उसकी कैपिटल है चेन्नई और तमिलनाडु के करंट चीफ मिनिस्टर है के पलानी स्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has established COVID-19 rehabilitation and relief fund? तो दोस्तों, COVID-19 के लिए rehabilitation और relief fund जो है वो किसने establish करा है? तो हमारा answer होगा CII। तो दोस्तों, CII जो है उन्होंने एक rehabilitation और relief fund जो है वो establish कर दिया है COVID-19 के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर CII जो आया है इसकी फुल फॉर्म होती है Confederation of Indian Industries। ये establish हुआ था 1895 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और दोस्तों, CII जो है उसका हेड कौन है? तो उसके हेड है विक्रम एस किर्लोस्कर। विक्रम एस किर्लोस्कर जो है वो हेड है CII के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज लार्जेस्ट COVID-19 ट्रीटमेंट हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा COVID-19 ट्रीटमेंट हॉस्पिटल जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा। तो दोस्तों, उड़ीसा स्टेट जो है उसमें COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब दोस्तों, ये जो हॉस्पिटल होंगे, ये दो हॉस्पिटल बन रहे हैं उड़ीसा में, जिसमें कि 500 बेड की फैसिलिटी होगी, मतलब टोटल 1000 बेड जो होंगे उनकी फैसिलिटी होगी इस हॉस्पिटल में। अब दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा स्टेट आई है, तो उड़ीसा जो है उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के करंट चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच हैज RBI रिड्यूस द रेपो रेट? तो दोस्तों, रेपो रेट जो होता है वो कितना रिड्यूस कर दिया है RBI ने? तो हमारा आंसर होगा 4.4%। तो दोस्तों, रेपो रेट जो है वो 4.4% कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। पहले जो था वो था 5.15%, जो कि घटाकर 4.4% कर दिया गया है। और दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने 1,70,000 करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा करी है कोरोना वायरस के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर RBI जो आया है, RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और RBI के जो करंट गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सतीश गुजराल हु रिसेंटली डाइड इज एसोसिएटेड विद? तो दोस्तों, सतीश गुजराल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किससे रिलेटेड थे? तो हमारा आंसर होगा पेंटिंग। तो दोस्तों, सतीश गुजराल जो थे वो एक इंडियन पेंटर थे, जिनको 1999 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। और दोस्तों, ये जो है इनका हाल ही में 26 मार्च को जो है निधन हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बिकेम द फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर टू विन वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड? तो दोस्तों, पहले हॉकी प्लेयर जो है वो कौन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जीत लिया है? तो हमारा आंसर होगा रानी रामपाल। तो दोस्तों, रानी रामपाल जो है वो पहली हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक अवार्ड जो है वो जीत लिया है। अब दोस्तों, रानी रामपाल जो है ये इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम जो है उसकी कैप्टन है और इनको अभी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 वुमेन्स टाइटल? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 जो है उसका टाइटल किसने जीता है? तो हमारा आंसर होगा सोफिया कैनन। तो दोस्तों, सोफिया कैनन जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 वुमेन्स टाइटल जो है वो जीत लिया है। अब दोस्तों, सोफिया कैनन जो है ये एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर है जिन्होंने स्पेन प्लेयर गैरबिन को हराकर ये टाइटल जीता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द 36th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स? तो दोस्तों, 36th एडिशन जो होने वाला है नेशनल गेम्स का वो कौन सी स्टेट में होने वाला है? तो हमारा आंसर होगा गोवा। तो दोस्तों, 36th एडिशन जो होगा नेशनल गेम्स का वो होगा गोवा स्टेट में। अब दोस्तों, गोवा जो है वो सबसे छोटी स्टेट है इंडिया की
और दोस्तों ये जो नेशनल गेम्स हैं 2020 में ये कब होने वाले हैं, तो ये 20 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर के बीच में होंगे गोवा में, जो कि 36th एडिशन है नेशनल गेम्स का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद अलवी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों मोहम्मद अलवी जो है वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, तो हमारा आंसर होगा इराक। तो दोस्तों मोहम्मद अलवी जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर हैं इराक कंट्री के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2020। तो दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे जो होता है उसकी क्या थीम थी 2020 में, तो हमारा आंसर होगा आई एम एंड आई विल। तो दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे 2020 की थीम थी आई एम एंड आई विल। और दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे जो होता है वो कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 4 फरवरी को। हर साल 4 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीनाथ नरसिम्हन हैज बीन नेम्ड सीईओ ऑफ। तो दोस्तों श्रीनाथ नरसिम्हन जो है वो किसके सीईओ बन गए हैं, तो हमारा आंसर होगा टाटा ट्रस्ट। तो दोस्तों टाटा ट्रस्ट जो है उसके नए सीईओ जो है वो है श्रीनाथ नरसिम्हन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैज अपॉइंटेड इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक एज न्यू। तो दोस्तों यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने इंडियन ओरिजिन के जो ऋषि सुनक हैं उनको किस पोस्ट के लिए अपॉइंट करा है, तो हमारा आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों यूके के जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं ऋषि सुनक, जो कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है उनके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, और ये एक इंडियन ओरिजिन से हैं। तो दोस्तों बोरिस जॉनसन जो है इनको हाल ही में कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वन द पराग चेस फेस्टिवल टाइटल। तो दोस्तों पराग चेस फेस्टिवल टाइटल जो है वो किसने जीता है, तो हमारा आंसर होगा विदित गुजराती। विदित गुजराती जो है उन्होंने पराग चेस फेस्टिवल टाइटल जो है वो जीत लिया है। व्हाट इज द थीम ऑब्जर्व बाय यूनेस्को ऑन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020। तो दोस्तों यूनेस्को के द्वारा क्या थीम रही थी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020 की, तो हमारा आंसर होगा लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। तो दोस्तों लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स जो है वो थीम रही थी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020 की। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया है यूनेस्को। यूनेस्को जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन सिटी विल होस्ट कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप इन जनवरी 2022। तो दोस्तों जनवरी 2022 में कॉमनवेल्थ शूटिंग और आर्चरी चैंपियनशिप जो है वो कौन सी इंडियन सिटी जो है वो होस्ट करेगी, तो हमारा आंसर होगा चंडीगढ़। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी कॉम्पिटिशन जो होगा वो चंडीगढ़ में होने वाला है जनवरी 2022 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एडवांस्ड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूजिंग विच लॉन्च सिस्टम। तो दोस्तों एडवांस एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी सैटेलाइट जो है वो कौन से लॉन्च सिस्टम को यूज करके लॉन्च करी गई है, तो हमारा आंसर होगा एटलस 5। एटलस 5 जो है उसके द्वारा लॉन्च करी गई है एडवांस एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि एक काफी एडवांस सैटेलाइट होगी जिसमें कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जो है खर्चा आया है, और ये एक यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका की सैटेलाइट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज पार्टनर्ड विद फिट इंडिया टू प्रोवाइड अ 21 डेज वेट लॉस प्रोग्राम। तो दोस्तों किसने पार्टनरशिप करी है फिट इंडिया के साथ, 21 दिन का प्रोग्राम है जिसमें कि वेट लॉस का जो है ये प्रोग्राम है, तो हमारा आंसर होगा शिल्पा शेट्टी। तो दोस्तों शिल्पा शेट्टी जो है उन्होंने फिट इंडिया के साथ जो है पार्टनरशिप करी है, जिसमें कि वो 21 दिन का जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगी जिसमें कि वेट लॉस की जो टिप्स होंगी वो बताई जाएंगी। 21 दिन का जो लॉकडाउन करा गया है हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वजह से, उसकी वजह से इन्होंने 21 दिन के लिए एक वेट लॉस प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई हैज परमिटेड अ डैश मंथ मोरिटोरियम ऑन ईएमआई पेमेंट्स ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग लोन्स। तो दोस्तों आरबीआई जो है उन्होंने कितने महीने के लिए छूट दी है ईएमआई पेमेंट्स के लिए, मतलब इस टाइम के लिए अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते तो इस टाइम पीरियड में आप कोई पेमेंट नहीं भी करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट जो है वो नहीं किया जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 3 मंथ के लिए। तो दोस्तों 3 मंथ के लिए अगर आपने कोई पेमेंट नहीं करी, आपकी ईएमआई नहीं भरी है,
तो उसके लिए आपको ब्लैकलिस्ट नहीं करा जाएगा। 3 महीने की छूट दी गई है आरबीआई के द्वारा कोरोना वायरस की वजह से। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।